देख रहे हैं माय भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। माय भारत पर समय हो चुका है यूके स्पेशल का। नजर डालते हैं उत्तराखंड की खास खबरों पर। देश के कोने कोने से श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। यहां दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल सांसद ने भी बद्रीनाथ धाम में दर्शन कर पूजा अर्चना की। चमोली से माय भारत के लिए पुष्कर सिंह नेगी की रिपोर्ट। हरिद्वार के सिरकुल थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम के आने से पहले लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं इस आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर ने हरिद्वार में मां मनसा देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर मां का आशीर्वाद लिया। इस दौरान विधायक सुरेश राठौर ने कहा कि सनातन धर्म में जिन्हें देवी देवताओं की पूजा प्रार्थना की जाती है, उनका आशीर्वाद एक औषधि की तरह काम करता है जो हमें हर बुराई से लड़ने के लिए साहस देता है। उन्होंने कहा कि आज कोरोना जैसा संक्रमण से पूरा विश्व जूझ रहा है। आज मां मनसा के चरणों में बैठकर विश्व के लिए कामना की है कि मां इस महामारी के संकट से पूरे विश्व की रक्षा करे। आज हम सब लोग मनसा देवी पर पूजा अर्चना करने की दृष्टि से संगठन और सरकार ने जो जिम्मेदारी लगाई है उसमें अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए एक संदेश देश और दुनिया में देने का काम करेंगे। मैं अपने सभी भक्तगणों का मां मनसा के उस मंदिर पर उसके विराट रूप का दर्शन करते हुए भगवान शिव के उस केदारनाथ जी के दर्शनों के जो लाभ लोगों को मिलेंगे वो वर्चुअल मीडिया के माध्यम से हम एक नया जो संदेश दे रहे हैं वो देश और दुनिया में संदेश जाए। हम सब लोग भारत माता का गुणगान करते हुए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद करते हुए, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद करते हुए इस क्रम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चमोली के दशौली ब्लॉक में मिठाड़ा में 13 सालों के अंतराल के बाद शुक्रवार को रामलीला का मंचन शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रामलीला का वर्चुअल उद्घाटन किया। इसके साथ ही थराली विधायक मुन्नी देवी ने दीप प्रज्वलित करके रामलीला मंचन की विधिवत शुरुआत की। आपको बता दें मिठाना रामलीला कमेटी द्वारा पिछले 100 सालों से ज्यादा समय से रामलीला का मंचन किया जाता रहा है, जबकि पिछले 13 सालों में गांव की समस्याओं के कारण रामलीला का मंचन नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार फिर से बुजुर्गों के सहयोग और युवाओं के जोश के साथ मिठाना की रामलीला का मंचन शुरू हुआ है। नैनीताल के काला ठुंगी में हाथियों का आतंक बना हुआ है। हाथी फसलों को रौंदने के साथ घरों में भी तोड़फोड़ करने लगे हैं। शुक्रवार रात हाथियों का झुंड वन विकास निगम के डिपो परिसर में स्थित ऑफिस में घुस गया। हाथियों ने वहां रखे जरूरी दस्तावेज, कंप्यूटर, पंखे आदि सामान तोड़ने के साथ ही अन्य सामान को भी नुकसान पहुंचाया। इससे पहले हाथियों ने यहां हनुमान मंदिर की जालियां तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। साथ ही हल्द्वानी रामनगर हाईवे को भी घंटों बाधित रखा। घटना की खबर मिलते ही संबंधित ऑफिस के अधिकारी और कालाठुंगी वनकर्मी मौके पर पहुंच गए। वनकर्मियों ने बमुश्किल हाथियों के झुंड को मुख्य हाईवे से हटाया। नैनीताल से माय भारत के लिए जाहिद हबीबी की रिपोर्ट। ऋषिकेश के जयराम आश्रम में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर शहर के सैकड़ों श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। इस दौरान जयराम आश्रम के परम अध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटकर आशीर्वाद दिया। पूजा अर्चना के बाद शहरवासियों ने छप्पन भोग का आनंद लिया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान इंद्र ने ब्रजवासियों से नाराज होकर मूसलाधार बारिश की थी। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों को बचाया था। पर्वत के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने सभी को सुरक्षा प्रदान की थी, तभी से भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन के रूप में पूजा जाता है। हरिद्वार के लक्सर में महंगाई को लेकर कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने कहा कि महंगाई चरम सीमा पर है और देश में जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है, लेकिन प्रदेश और देश की गूंगी और बहरी सरकार कान में तेल डालकर कुंभकर्ण की नींद सो रही है। आगे उन्होंने कहा कि हरी सब्जी से लेकर गैस सिलेंडर व पेट्रोल और सरसों का तेल आसमान छू रहे हैं। चुनाव के समय बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे किए जाते थे, लेकिन वो धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। भाजपा सरकार ने झूठ बोलकर सिर्फ जनता को ठगने का काम किया है। हरिद्वार से माय भारत के लिए संजय पुनीर की रिपोर्ट। उत्तराखंड की
खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। उत्तराखंड की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को फॉलो करें और देखते रहें माय भारत न्यूज़।